सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हुई पत्थरबाजी की घटना को लेकर मंदसौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सीधी जिले के चुरहट में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पत्थरबाजी की घटना पर राजनीति गर्मा गई। भाजपा कांग्रेस पर हत्या की साजिश का आरोप लगाकर प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में मंदसौर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम साहब को देखने का थोड़ा सीएम साहब के साथ जो घटना हुई इसी दिन उसको लेकर कांग्रेस के लोग भाजपा वालों का एक ज्ञापन था, धरना प्रदर्शन था। एक ज्ञापन भी उन्होंने उस घटना को लेकर दिया है जिसको माता पहुँचना ठीक से। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला करके प्रदेश में अराजकता का माहौल फैलाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, जिसने कृत्य किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज कांग्रेस के उस फासिस्टवादी रवैये के विरोध में धरना प्रदर्शन करके ये मांग की गई है कि इस प्रकार की फासिस्टवादी रवैया अपनाने वाले लोग जो मुख्यमंत्री जी के काफिले पर हमला करके भी प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं, इस प्रकार के की हम घोर निंदा करते हैं। और माननीय राज्यपाल जी के नाम हमने जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन के माध्यम से हम माननीय राज्यपाल जी से हमने मांग की है कि इस प्रकार का कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और मध्य प्रदेश जो कि शांति का टापू है इसको शांति का टापू बने रहने की दिशा में इस प्रकार के प्रयास आवश्यक है। ऐसे कांग्रेस के ऐसे पदाधिकारियों जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, यही हमारी मांग है और इस बारे में हमने ज्ञापन दिया है। आज हमारे जो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थर फेंके गए या वो षड्यंत्र भी हो सकता है कांग्रेस का, सीधा सीधा निशाना हमारे ऊपर ही था, उनके खिलाफ उनको तत्काल बंद किया जाए और आने वाले चुनाव की दृष्टि के जो कांग्रेस हथकंडे अपना रही है, इस हथकंडे के खिलाफ हमने भारतीय जनता पार्टी जिला नेतृत्व ने आज यहाँ पर धरने का प्रदर्शन किया था। और इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के मंदसौर और विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी जो इसमें निवास करते हैं वो सब यहाँ उपस्थित हुए और धरने में। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, लिहाजा सीएम पर पथराव की घटना पर सियासत गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, मंदसौर।